और अब बात करेंगे बिजनौर जामा मस्जिद के उस इमाम की जिसका महिलाओं पर ईमान ही बिगड़ गया मगर फिर भी बेवजह का ज्ञान दे रहा है। आपको तस्वीर दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए खुद को धर्म का चोला पहनाकर किस तरह से यहाँ पर नापाक ज्ञान दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए मौलाना अनवरालु हक के दोहरे चरित्र को दिखा रही है। तो पहली तस्वीर में कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान के समर्थन में नारे लगते हैं और इस प्रदर्शन की जो अगुवाई कर रहा है वो शख्स है मौलाना अनवरुल हक जो कश्मीर के लोगों के हक के नाम पर हंगामा करता है। छाती ठोक कर कहते हैं कश्मीर के लोग हथियार उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं। और एक और तस्वीर देखिए मौलाना की डर्टी पिक्चर। कश्मीर पर ज्ञान देने वाले इमाम साहब का महिला पर ईमान कैसे बिगड़ा। जनाब एक शादीशुदा महिला को तंत्र मंत्र के नाम पर कमरे में ले गए और फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मोहल्ले के लोगों को शक हुआ तो वो कमरे में दाखिल हुए और मौलाना को यहाँ पकड़ लिया। इसके बाद इसकी जमकर पिटाई हुई। मोदी तक को ललकारने का दम भरने वाले मौलाना अब मुंह छिपाकर अस्पताल में पड़े हैं और सफाई में अपनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। कश्मीर के लोगों ने पत्थर उठाए हैं, नक्सलियों ने हथियार उठाए हैं, कश्मीर के मुसलमानों ने लाठी उठाई थी, नक्सलियों ने बम उठाए हैं, कश्मीर के मुसलमानों ने सिर्फ मुजाहिरा किया था, नक्सलियों ने हमारी सेना के 10 जवानों को पीछे शहीद किया है, न जाने कितने सियासतदानों को मौत के घाट उतारा है। जिससे अपने घरवाली की रक्षा नहीं हो सकी वो भारत की इतनी सारी बहनों की और माओ की रक्षा कर सकता है, जवानों की नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं है भाई, मुझे उम्मीद नहीं है। अरशद जैदी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरशद, एक तरफ तो देश के खिलाफ जो कुछ लोगों को बरगला रहा है वो तस्वीर हमने देखी है और दूसरी तरफ कितनी नापाक यहाँ पर तस्वीर सामने आई है, इमाम बनकर इस तरह महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ कर रहा था। बिल्कुल प्रीति, देखिए बिजनौर का मामला, बिजनौर के चाशरी इलाके का ये मामला है। एक महिला है और उसको जो है ऊपरी हवा हो गई थी, इसको लेकर के ये महिला जो है पीड़ित महिला ये इमाम अनवारुल हक के पास गई और उसने अपनी जो है आबीती बताई कि मैं काफी परेशान हूँ, काफी दिनों से परेशान हूँ, मेरे को भूत प्रेत का साया है। तो अनवारुल हक ने कहा कि आपका भूत प्रेत साया उतर जाएगा, आपको कलिया शरीफ जाना पड़ेगा। इसको लेकर के महिला अपने पति को लेकर के जो है उनके साथ चली गई और उसके बाद जो है एक कमरे के अंदर जो है उन्होंने अश्लील हरकतें की है। जी प्रीति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्शद जानकारी के लिए।